हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ एक्सप्लोर्ड और मेरा नाम है सौरभ। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो जनरली आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो आज के वीडियो की स्पेशलिटी ये है कि जनरली हम मंदिर के नाम पर जब भी कभी हमारे दिमाग में मंदिर की कोई बात आती है तो एक छवि बनती है ऐसी, एक ऐसा इमेजिनेशन होता है जिसमें भगवान होते हैं, जिसमें श्रद्धा होती है। और मंदिर का नाम आए तो मंदिर के नाम पे आस्था और श्रद्धा की बातें ही हमेशा होती आई हैं। पर आज जो मंदिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये मंदिर कुछ अलग सा मंदिर है। और मुझे इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला, उसके लिए आपको कहानी थोड़ी सी रिवाइंड करनी पड़ेगी। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब मैं अपने मोबाइल पर गूगल मैप्स खोलकर किसी लोकेशन के बारे में सर्च कर रहा था। ये है मेरा शहर बाराबंकी। मैप पर इस शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी और हलचल वाली जगह से थोड़ी ही दूर पर मुझे नज़र आया एक गांव, असैनी। इस गांव की सैटेलाइट इमेजेस देखने पर मुझे एक रहस्यमयी जगह दिखी, रानी साहब मंदिर, जिसके बारे में न मैंने कभी सुना था और न ही इसे कभी देखा था। बस फिर क्या था, मेरे अंदर की क्यूरियस आत्मा इस मंदिर को खोजने के लिए निकल पड़ी। आखिरकार थोड़ी खोजबीन और जीपीएस की मदद से हमने उस मंदिर को खोज ही लिया। गांव के बाहर इस पुराने और विशाल खंडहरनुमा मंदिर को इन हालात में देखकर मेरा एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया था। मेरे अंदर सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतना पुराना मंदिर आखिर किस भगवान का है, और अगर ये मंदिर इतना पुराना है तो इसके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं। मेरे इन्हीं सवालों के जवाब के लिए मैंने इसके करीब जाकर इसको जानने की कोशिश की। इस मंदिर के द्वार पर ही अरबी या फारसी में लिखी इबारत के पत्थर लगे थे, जो कि अपने आप में ही अनोखा था। पर इस मंदिर के अंदर का दृश्य देखकर तो मैं चौंक ही गया, क्योंकि रानी साहब मंदिर के अंदर ना तो कोई मूर्ति थी और ना ही कोई भगवान। आखिरकार मेरे सवालों के जवाब पाने के लिए मुझे दूसरा रास्ता निकालना पड़ा, और वो था इस गांव के लोगों से इस मंदिर के बारे में जानकारी लेना। तो मैं वापस मंदिर से निकलकर गांव की तरफ आ गया कि शायद कोई मिल जाए जो मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सके। दादा, ये मंदिर कब बना था, कैसे मंदिर है ये? राजा साहब की समाधि है। राजा साहब की समाधि है? हाँ। कौन से राजा? राजा कुंवर के धारा। अच्छा अच्छा, तो कब की बनी हुई है ये? अरे पता कितना हम पर अपने आगे बनी रहा है। बहुत पुरानी है। हाँ, तो इसमें मंदिर नहीं है कोई? हाँ? मंदिर नहीं है ये? मंदिर नहीं है, राजा जी का समाधि है। अच्छा, समाधि है ये? हाँ। अच्छा जी, हमको लगा मंदिर है ये। हाँ, मंदिर नहीं है, समाधि है राजा। तो पहले मैं बराता टिकती रहा। और बताओ भैया, तो अंदर कुछ है इसके कि नहीं है कुछ? हाँ, हाँ, बना हुआ है। बना है सब, की अब सब गिर पड़ गवा है। अच्छा अच्छा, बच्चे सब खेला करते हैं। अब सब खेला कर, सब यूज कर, कंडा लकड़ी सब, कोई कदम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ के गाँव वासियों ने बताया कि ये कोई मंदिर नहीं बल्कि किसी राजा की समाधि है। हाँ, किसकी समाधि है ये? ये राजा साहब की है, गिरधारी सिंह लिखा है, लगा है पत्थर। अच्छा अच्छा, तो ये वो यही राजा यही के थे क्या? वो यही के थे।
और उनका महल वगैरह भी है क्या यहाँ पे? महल रहा है मगर सब महल वहल गिर गया है, सब जगह पर ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये उनकी समाधि, समाधि बड़ा भव्य बना दी है बिल्कुल। हाँ। मंदिर की तरह है समाधि है, बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, रानी वानी की भी समाधि इसी में बनी है क्या? रानी की नहीं है। हाँ। रानी की अंते है। रानी की अंते है। राधा के है। अच्छा अच्छा, तो अभी ये तो इसका अभी यहाँ पर कोई मालकाना किसके पास है, कौन मालकाना ये सब बताइए। देखो ऐसे परी। अच्छा, ये कोई है नहीं। और ये जमीन पूरी उसी की नहीं, इसी में आती है? जमीन उसी की है मगर जमीन थोड़ी बिकी है। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या सरकार वरकार के अंडर में आती है क्या? सरकारी हो गई है क्या जमीन? सरकारी है। अच्छा 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 अच्छा, तो इसके अंदर क्या है, क्या इसके अंदर? चलो, बहुत बढ़िया बनी रहा है कि यह समाधि समाधि रहा। हाँ, मतलब सब गिर फिर गया क्या है? हमको लगा था कि ये वो है मंदिर है। नहीं, मंदिर टाइप की बनी रहा है और बहुत बड़ी बनी रहा है और बहुत अच्छी बनी है। बहुत मजबूत है। ये है ये। अच्छा, ये है वो कर देख लो। अच्छा, तो ये राजा की समाधि। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, मतलब कितने साल हो गए लगभग इसको बने? सन 19 की। और अधिक जानकारी मिलने पर पता चला कि रानी साहब मंदिर गोकुलपुर असैनी के राजा कुंवर गिरधारी दास सिंह तुकेदार की समाधि है, जिनका देहांत 6 अगस्त 1898 को हुआ था। लेकिन फिर भी मुझे ये बात अब तक समझ नहीं आई थी कि अगर ये किसी राजा की समाधि है तो इसे मंदिर क्यों कहा जाता है, पर मेरे इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। रानी साहब मंदिर को देखकर पता चलता है कि ये मुगल कालीन सभ्यता से प्रेरित होकर बनाया गया था। इस मंदिर के खंडहर को देखकर इसकी भव्यता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। क्योंकि इस स्थान से ना किसी की आस्था जुड़ी है और ना ही इसका कोई धार्मिक महत्व है, जिसकी वजह से इसकी चर्चा भी नहीं होती। और यही वजह है कि रानी साहब मंदिर, जो कि सिर्फ नाम का मंदिर है, गुमनामी में खोकर रह गया है। और इसी के साथ इस रहस्यमयी मंदिर से जुड़े सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद ये सफ़र यहीं पूरा हो जाता है।